वेलकम टू माई क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर टर्म होती है, देन एक्स टर्म और देन कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। तो फिर हम इसको सॉल्व जो है, एक तो ये भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू ट्वेल्व, कि जो जो डिनोमिनेटर में है तो वो सब को मल्टीप्लाई करवा दो हर टर्म के साथ। या ये कर सकते हैं, पहले इधर हम एलसीएम ले लें और इसको एज इट करें। तो हम ये काम कर लेते हैं, एलसीएम वाला इधर एलसीएम ले लेते हैं। एक्स और एक्स प्लस वन का एलसीएम हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस वन। ओके, तो जब हम एलसीएम लेते हैं, अगर किसी को एलसीएम वाला नहीं पसंद तो फिर आप ये कर सकते हो, मल्टीप्लाई वाला काम कर लो। लेकिन यहाँ पे ये इजी है, इतना जो है डिफ़िकल्ट नहीं है। हमने एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर का, तो वो दोनों इधर आ गए, बिकॉज दोनों सेम नहीं थे इसलिए हमने दोनों को राइट कर लिया। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ देखने, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट एक्स प्लस वन नहीं हुआ तो एक्स प्लस वन रह गया, एक्स प्लस वन ने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना, तो एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। इधर हम जस्ट राइट ही कर लेते हैं और नेक्स्ट में हम सॉल्व करते हैं। ओके, अगेन सुन लें क्या बोला मैंने, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ देखना, एक्स एक्स से कैंसिल, एक्स प्लस वन रह गया, उसने एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई हो जाना। ओके, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन राइट कर लिया, यहाँ पे प्लस का साइन है वो यहाँ पर आ जाएगा। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ देखिए, एक्स प्लस वन से कैंसिल हो गया, एक्स रह गया, एक्स ने एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाना, और यहाँ पर ये 25/12 आ जाना। तो अगेन देख लिया हमने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम लिया एक्स और एक्स प्लस वन का, तो ये आ गया। फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ देखना, तो एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, जस्ट ये रह गया एक्स प्लस वन, इसको मल्टीप्लाई करवा देना एक्स प्लस वन से, ठीक है, यही राइट हो गया। प्लस फिर एक्स प्लस डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ देखें, एक्स प्लस वन से कैंसिल हो गया, एक्स रह गया, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवा देना 25/12 एज इट आ गया। फिर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है इन दोनों को, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ भी, ठीक है। तो एक्स को हमने एक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, एक्स स्क्वायर आ जाना है। फिर एक्स को वन से भी करवाना है तो एक्स आ जाना है। फिर वन को एक्स से करवाना है तो एक्स आ जाना है, और वन को वन से करवाना है तो वन आ जाना। ओके, इसको इससे करवाया तो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स को वन से करवाया एक्स आ गया, वन को एक्स से करवाया एक्स आ गया, वन को वन से करवाया वन आ गया। साइन भी ध्यान से देख लेना है, सारे प्लस के ही आने हैं बिकॉज इधर प्लस है, इसलिए प्लस। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाता है। नीचे भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स को जब वन से करवाया तो एक्स आ गया, इक्वल टू 25/12 आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाना है, एक्स स्क्वायर, इसको दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास टू एक्स स्क्वायर आ जाना है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर हो गया। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स को प्लस करवा लेते हैं तो टू एक्स आ जाना है, और ये वन का वन आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको तो हम प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर में एक्स टर्म को प्लस करवा रहे होते हैं। नो, आपने ऐसा नहीं करना। एक्स स्क्वायर टर्म है तो उसमें एक्स स्क्वायर टर्म ही ऐड होगी, एक्स टर्म है तो उसमें एक्स टर्म ही जस्ट ऐड होगा। जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसमें एक्स टर्म नहीं ऐड हो सकती, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये एज इट आ जाना। और फिर हमने क्या कर देना, यहाँ पे ये और सॉल्व नहीं होगा, तो आप ये कर सकते हो, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इजी हो जाना, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने राइट करना तो कर लो, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर लो, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस पूरे ने 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना, इस पूरे ने
25 के साथ, इसने 12 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो हम जस्ट पहले राइट कर लेते हैं, 12 को बाहर रख लेते हैं और इसको अंदर रख लेते हैं, 2x² + 2x + 1 को, और 25 ने इससे मल्टीप्लाई होना है तो 25 को बाहर राइट कर लेते हैं और x² + x को इधर राइट कर लेते हैं अंदर। आगे क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई हो जाना है, 12 ने इससे भी मल्टीप्लाई होना है, 12 ने इससे भी और 12 ने इससे भी, 12 2 × 24x² + 12 2 × 24x + 12 1 × 12 = 25x² × 25x² + 25x × 25x। फिर क्या हो जाना है हमारे पास, हम इनको ऐड नहीं कर सकते बिकॉज ये एक्स स्क्वायर टर्म है, ये एक्स टर्म है, इसी तरह इनको भी नहीं ऐड कर सकते, तो हम एक तरफ ले आएंगे, इसको उधर लेके जाने की बजाय इसको इधर ले आओ, बिकॉज ये बड़ी टर्म है ये छोटी है, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर टर्म 25x² टर्म हमने राइट किया, 24x² को भी यहाँ पर ले आते हैं, तो ये -24x² हो जाना है। पता है ना आपको, कोई भी जो है टर्म लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट साइड पे जाती है उसका साइन चेंज हो जाता है, इधर +25x² है, इधर -24x² हो गया। फिर ये राइट करते हैं +25x और ये 24x को भी इधर ले आते हैं, इधर +24x है, इधर आके -24x हो जाना, और ये 12 को भी यहाँ पर ले आते हैं, इधर आके -12 हो जाएगा, यहाँ पे कोई टर्म नहीं रहेगी, यहाँ पे 0 रह गया। 25x² में से 24x² को माइनस करेंगे तो जस्ट x² आ जाएगा, 25x में से 24x को माइनस करेंगे तो जस्ट x आ जाएगा, प्लस माइनस होगा, माइनस साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी टर्म के साथ है, बड़ी टर्म ये उसका प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, -12 है और =0, ये इसके इक्वल है, हम इसको पहले राइट कर लेते हैं, 0 को बाद में राइट कर लेते हैं। और अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आई, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने फर्स्ट टर्म राइट करो एज इट, और ये कांस्टेंट टर्म भी हमने एज इट राइट कर दी। अब हमने सेंटर में यहाँ पे 2 टर्म्स ऐसी लेनी है जिसको हम सॉल्व करें, प्लस माइनस करें, तो हमारे पास ये है, उन्हीं 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास वो है जो इनको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आ रहा है वो पहले राइट कर लो साइड पर, -12x², x² को -12 से मल्टीप्लाई करवाने से -12x², तो हम यहाँ पर क्या लें, अगर हम 4 ले लें और 3 ले लें, 4x में से 3x को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास x आता है, और अगर 4x को 3x से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 12x² भी आ जाएगा, तो यहाँ पर जो साइन है वो इधर ले लेते हैं, और यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे तो वो तो 7x हो जाएगा, हम माइनस लेते हैं, 4x में से 3x माइनस किया, x आ गया, 4x को -3x से मल्टीप्लाई करवाओ तो 12x² आ रहा है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि सॉल्व करने से ये है और मल्टीप्लाई करने से वो है जो इनको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा था, तो ठीक है इनको मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है, ठीक है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सॉल्व करने से ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई करने से ये चाहिए था तो यही आ रहा है। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, कि इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ रहा है, तो जब x कॉमन ले लिया, इस टर्म में से x कॉमन आ गया तो इधर x रह गया, प्लस इस टर्म में से x कॉमन आ गया तो 4 रह गया, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, -3 कॉमन ले लेते हैं, -3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास x रह गया, बाय माइनस साइन है, अंदर साइन चेंज होकर माइनस से प्लस आ जाएगा, 3 कितने टाइम 12 होता है 4 टाइम, यहाँ तक हमारा करेक्ट है, कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में सेम आ गया, साइन भी सेम है और इधर x है, इधर भी x है, इधर 4 है तो इधर भी 4 है, साइन भी सेम है। अब हमने क्या कर लेना, इन दोनों को ज्वाइन करके राइट कर लेना, और ये दोनों सेम है तो 1 टाइम राइट कर लेना, =0, दोनों =0 हैं तो हमने क्या कर लेना, इसको भी =2 और x + 4 को भी =0 कर लेना, फिर -3 इधर आके +3 हो जाएगा, और यहाँ पे +4 उधर जाके -4 हो जाएगा, और हमने इसको सॉल्यूशन सेट में राइट कर लेना है, 3 आ गया और -4 आ गया, इस तरह से ये हो गया सॉल्व। अगेन आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, इधर एलसीएम ले लिया, एक्स और x+1 डिनोमिनेटर का लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और x+1 आ गया, फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ देखो, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, ठीक है,
पहले इस टर्म को सॉल्व करें ना, तो इसका डिनोमिनेटर पार्ट इससे देखो, जो सेम है वो कैंसिल हो गया, जो रह गया उस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस। अब ये वाली टर्म देख रहे हो तो इसका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ देखो, ये सेम है, कैंसिल कर दो, ये एक्स रह गया, एक्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू 25/12। फिर मल्टीप्लाई करवा देना एक्स एक्स टाइम एक्स स्क्वायर, एक्स वन टाइम एक्स, वन एक्स टाइम एक्स, वन वन टाइम वन, प्लस एक्स को एक्स टाइम मल्टीप्लाई करवा एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स एक्स टाइम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन टाइम एक्स, ये एज इट आ गया। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस किया टू एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स में एक्स प्लस किया टू एक्स प्लस वन, ये एज इट। फिर हमने क्या किया, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे, तो इस पूरे ने 12 से मल्टीप्लाई होना है इसलिए 12 को बाहर रख लिया इसको अंदर, और इस पूरे ने 25 से मल्टीप्लाई होना है तो इसको अंदर रख लिया 25 को बाहर। इसको इससे भी मल्टीप्लाई करवाया तो यह है, इसको इससे करवाया यह है, इसको इससे करवाया यह है, इसको इससे करवाया तो यह है, इसको इससे करवाया यह है। फिर क्या किया, ये जितने जीरो रह गया ये सारी टर्म्स को हम उधर ले गए, 25x स्क्वायर राइट किया, 24x स्क्वायर इधर ले आए, 25x राइट किया, 24x इधर ले आए, पॉजिटिव 12 इधर ले आए, नेगेटिव 12 हो गया, माइनस करवाया, सॉल्व करवाया इनको भी, ये भी एजिट आ गया। फिर इसको जीरो इक्वल टू ये है तो इसको इक्वल टू जीरो, देन आगे हमने ये फैक्टराइजेशन कर ली, एक्स स्क्वायर ये नेगेटिव 12 को वैसे ही लिख लिया। फिर टू टर्म्स ऐसी लेनी है जिनको सॉल्व करने से ही आया और मल्टीप्लाई करने से वो आया जो इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, मतलब नेगेटिव 12 एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड था तो दोनों को सॉल्व करने से ही आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से ये भी आ रहा है। फिर इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, दोनों को ज्वाइन करके राइट कर लिया, दोनों सेम थे वन टाइम राइट कर लिया, दोनों इक्वल टू जीरो है तो इसको भी इक्वल टू जीरो, इसको भी इक्वल टू जीरो। फिर आगे लिख दिया सोल्यूशन सेट में, सोल्यूशन देख सकते हो कम्प्लीट। होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक।